हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्टॉक है, जो कि ये 10 स्टॉक को अभी हमें मार्केट सिनेरियो में अभी कल के डेट पे भी हम बाय करके चल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा सा प्रॉफिट ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इसमें सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी लेके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे ये HDFC AMC है। इसका स्टॉक लेने की ये रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि टाइमली अगर आपने वीडियो नहीं देख पाए तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, बहुत सारा वीडियो का टाइमली आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि कितना दिन हुआ है, 12 दिन हुआ है। तो 12 दिन के अंदर में यहाँ पे बहुत बड़ा सा गेन मिल चुका है। ठीक है, जहां पे जैसा पता चलता है कि चार्ट पैटर्न पे, तो उसी बेस पे मैं बताता हूँ कि वो स्टॉक को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किए होते आज के दिन में, आप 40% 30% प्रॉफिट में होते। ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा क्रॉप में इजिली मैंने आपको बताया था कि 10-15 दिन एक महीने में आपको 20% का गेन मिल सकता है। ठीक है, और ये भी अब स्टॉक बताने के बाद में यहाँ पे भी 10-12% का गेन आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है स्टॉक मार्केट में, जब जहां पे टाइमली अगर स्टॉक को अगर बाय करेंगे तो होल्ड करेंगे तो आपको गेन मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप स्टॉक के साथ में पेशेंस के साथ में होल्ड करेंगे तो आपको पेशेंस का रिवार्ड तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी अगर बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है HDFC AMC है फ्रेंड्स। अगर HDFC AMC में अभी तक अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया, मेरे हिसाब से अभी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि काफी दिन से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2 साल से बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप अभी इमीडिएट अगर टारगेट की एक्सपेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे 3300 लेवल तक अगर स्टॉक को भी लेके चलते हैं तो आपको एक बढ़िया सा गेन दे सकता है। एक डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स, तो इसमें और क्या चाहिए आपको, डेट फ्री कंपनी है, उसके साथ में एक लार्ज कैप स्टॉक है, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, HDFC ग्रुप की कंपनी है, इसका ROC 40 है। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया सा कंपनी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बाय करके चलते हैं 2500 के पास में है, तो आपको इमीडिएट टारगेट जो है 3360 तक लेके चल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 35-36% का गेन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में भी अगर स्टॉक को आप होल्ड करके चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में और बहुत बड़ा एक मूव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, स्टॉक जो है यहाँ से और एक नेक्स्ट टारगेट भी आता है। अगर आप 1 साल स्टॉक में होल्ड भी करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट तक लेके चल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट आपका निकल करके आता है स्टॉक में। यहाँ पे देखिए 4650 तक आप नेक्स्ट टारगेट तक लेके चल सकते हैं, तो आपको एक बहुत बढ़िया सा गेन मिल सकता है। अगर हम वहां तक का अगर देख लेते हैं अभी कितना परसेंटेज का गेन अभी वहां तक मिल सकता है, यहाँ पे एक 90% का गेन मिल सकता है। एक लार्ज कैप स्टॉक में अगर 90% का गेन मिलता है, अगर 1 साल में अगर 90% का गेन अगर कवर हो जाता है, बहुत बढ़िया सा गेन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंट्राडे और FNO के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो हम लूट जाएंगे। तो ऐसा ही स्विंग ट्रेड कीजिए आप और बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, मैं आपको आज बताता हूँ मैंने कौन से स्टॉक में आज प्रॉफिट लिया हूँ और कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप आखिर तक वीडियो में जरूर बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक में मैंने प्रॉफिट किया और कितना दिन में कितना परसेंटेज का गेन मिला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है। फ्रेंड्स, अभी भी इसमें मौका है, अभी तक भी अगर आपने बाय नहीं किया, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, ये स्टॉक में भी अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी भी है और लार्ज कैप स्टॉक भी है, तो जहां पे रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि ये स्टॉक में आप लेके चलो भाई। ये स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है या तो फिर स्विंग ट्रेड नहीं है तो फिर पोर्टफोलियो अधूरा है, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है ना, तो इसीलिए आपको इसमें करना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो रिटर्न ज्यादा चाहिए, मैं तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, तो भी ठीक है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो को देख लीजिए जहां पे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो यहाँ पे हाई रिटर्न आपको मिलेगा लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा रहता है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन जहां पे आपको रिस्क नहीं है तो ये सारे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं तो आप ये सारे स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इसमें और ज्यादा गिरावट नहीं होगा। ठीक है, आपको 20% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि 2850 तक टारगेट लेके चल सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, FMCG का मार्केट लीडर है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि Naukri.com है। अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक में भी
यहाँ पे देखिए हमेशा एक पैटर्न बिल्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है लार्ज कैप स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक मार्केट लीडर भी है, आपको पता है। यहाँ पे देखिए हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज के पास में स्टॉक आता है, ठीक है, उसके बाद में फिर वहां से स्टार्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से अभी भी अगर मार्केट सिनेरियो में अगर यहाँ पे आप पोजीशन बना के चलते हैं 5600 के पास में और टारगेट लेके चलते हैं 7500 तक का, तो आपको ये स्टॉक में 34% का गेन मिल सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सी कंपनी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, जहाँ पे रिस्क है मैं वहां पे लिख देता हूँ कि वहां पे रिस्क है, रिस्क नहीं है क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे करेक्शन भी बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई की अगर बात करेंगे 7465 का है, अभी स्टॉक अभी चल रहा है करंट मार्केट लेवल पे चल रहा है 5638 पे। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है, तो ये सारे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट 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 के बारे में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टॉक है तो यहाँ पे देखिए HDFC लाइफ है। तो HDFC में लाइफ में भी आपका पोजीशन बिल्कुल होना ही चाहिए क्योंकि ये एक बेहतरीन कंपनी है और इसका जो डेट फ्री कंपनी है, अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, ये डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे लार्ज कैप भी लार्ज कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे इसमें अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको कितना परसेंटेज का गेन मिलता है यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पे आप पोजीशन अभी भी बना के चलते हैं तो आपको ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक को भी लेके चलते हैं आपको 17-18% का गेन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है, मैंने कई बार ये स्टॉक में पोजीशन बनाया, प्रॉफिट भी लिया, मैं आपको अभी भी दवा के साथ में बोल रहा हूँ ये स्टॉक में आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप बाइंग करके चल सकते हैं। आपको 18% का गेन आपको 3 मंथ्स में मिल सकता है, ठीक है, उससे पहले भी मिल सकता है। जहां पे मुझे लगता है कि हाँ वहां पे मिल सकता है तभी मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक में आप बिंदास आप लेके चल सकते हैं, 18% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, डर किस चीज का है, और बड़ा ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसी हिसाब से नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल है, अगर ICICI प्रोडेंशियल आपके पास में नहीं है तो ये स्टॉक में भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक भी ये स्टॉक को लेके चल सकते हैं। इसका अगर फंडामेंटल की बात करेंगे हम ICICI प्रोडेंशियल में, देखिए 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका डेट थोड़ा सा ही डेट है, ज्यादा डेट नहीं है, 0.14% का डेट है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे 724 है और मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 583 के पास में। तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी एक बेहतरीन होल्डिंग है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में भी अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टॉक प्राइस यहाँ पे 1000 रुपीज का बिलो ट्रेडिंग हो रहा है। तो जिनका पोर्टफोलियो स्मॉल पोर्टफोलियो साइज है तो ये इनको लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं आपको 25% का गेन मिल सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक में 25% गेन के लिए आपको ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 25% का गेन चाहिए ये स्टॉक में आपको 6 मंथ्स में गेन अचीव हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे 6 मंथ्स भी नहीं चाहिए, मुझे एक बढ़िया सा गेन चाहिए और क्विक गेन चाहिए, 1 मंथ में कवर तो होना चाहिए, तो ये ले लीजिए ना यहाँ तक का 1 मंथ में। मैं बता रहा हूँ ना यहाँ तक का टारगेट जरूर अचीव हो जाएगा, जहाँ पे अचीव हो जाएगा मुझे पता है यहाँ तक का हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों, कैसे, क्या रीजन है, जहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन होता है ना ये सब टारगेट है ना बहुत जल्दी अचीव होता है, ठीक है। इससे जो छोटा छोटा कंसोलिडेशन होता है ना ये छोटा छोटा टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है क्योंकि मैंने ये सब टारगेट है बहुत बार मेरा साथ में टारगेट अचीव हुआ है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये स्टॉक को कंसिडर करके चल सकते हैं। जो फास्ट टारगेट है आपका यहाँ पे 675 तक का 1 मंथ में ये आपका टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 2 वीक्स में भी हो जाएगा, लेकिन 1 मंथ मैक्सिमम टाइम पीरियड है, यहाँ पे ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, 16% का गेन है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे कोलगेट पामोलिन है। अगर कोलगेट की बात करेंगे यहाँ पे कोलगेट कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे स्टॉक में करेक्शन चल रहा है ना तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। ये स्टॉक में अभी इमीडिएटली आप बाई करके चल सकते हैं, डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और लार्ज कैप स्टॉक है। देखिए 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, और जहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करेंगे यहाँ पे 1823 ऑल टाइम हाई है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1445। तो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। ROC देखिए 92 का ROC है, ठीक है, मार्केट लीडर है। इस स्टॉक में क्या डरने का रीजन है, अगर अभी भी आप पोजीशन बनाते हैं ना आपको एक 26% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे ना फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं,
खुद का एनालिसिस करके जरूर लीजिए, आपको स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सकता है। ये हमारा सिक्स स्टॉक कवर हो गया। तो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि मैंने कौन से स्टॉक में आज प्रॉफिट लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आज यहाँ पे जेपी पावर में मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है, जो कि मैंने कल भी बताया था जिस लेवल पे मैंने बाय किया था उसमें से मैंने 50% का प्रॉफिट बुकिंग आज कर लिया, क्योंकि जहाँ पे मुझे 130% का गेन मिल चुका है, 140% का गेन मिल चुका है, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जो स्टॉक लिया था, काफ़ी सारे स्टॉक मैंने बहुत क्वांटिटी में मैंने बाय किया था, तो इसीलिए मैंने 50% का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिया। और जो 50% का लेवल है, मैंने अब वो 50% अभी ये लेवल के लिए लेके चलूंगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल के लिए मैं नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ। जेपी पावर देखिए, नेक्स्ट जो लेवल है 15 तक मैं लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू 15 तक का है, तो इसलिए मुझे लगता है ये 15 तक का लेवल जरूर अचीव हो सकता है। हो सकता है इसके लिए आपको 6 months लग जाए, लेकिन ये लेवल तक जरूर जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ तक का टारगेट के लिए 50% जो पोर्टफोलियो में रखा हूँ ये टारगेट के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं किसी को बाइंग रिकमेंडेशन ये स्टॉक में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपर सर्किट का इस हिसाब से चल रहा है, डेली 5-10% का, डेली 10-10% भाग रहा है, तो इसीलिए किसी को बाय का रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में, आप अभी बाय नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद का एनालिसिस का बेस पे कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अभी जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ना, इसको आप अभी बाय करके रख सकते हैं, जो कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी अगर अपना पोर्टफोलियो में लेकर रखेंगे ना, आपको बढ़िया सा गेन मिल सकता है, टाइम के साथ में होल्ड करना है। मैं क्यों हर बार बता रहा हूँ, अगर पेशेंस स्टॉक मार्केट में रखेंगे तो ही आपको गेन मिलेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे स्टॉक मार्केट में, तो फिर कोई स्टॉक मार्केट में फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, या तो फिर अच्छा अच्छा स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। जहां पे अभी करेक्शन में मिल रहा है ना, अभी बाय कर दीजिए फिर छोड़ दीजिए। आपको स्विंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं, वहां पे आपका पोर्टफोलियो भी बढ़िया से ग्रो होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल में वैसे भी 20-25% का सीजर मिल ही जाएगा अच्छा अच्छा स्टॉक में, अगर इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे भी। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड में ज्यादा गेन मिलता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेड में आपको 30-40% का गेन मिल सकता है। अगर 30-40% का गेन मिलता है तो बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो सकता है, 2.5 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि सनोफी है, एक डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये स्टॉक का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा रिजल्ट पोस्ट किया हुआ था। इसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे आरओसी 31 का आरओसी है। ये स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 9,200 के पास में चल रहा था, यहाँ पे 20% का करेक्शन हो चुका है। अभी अगर इस लेवल पे भी आप बाय करके चलते हैं ना, मैं जो भी स्टॉक बोल रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर कवर करके मैं बताता हूँ, ये ऐसा नहीं कि रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, अभी भी अगर स्टॉक में आप पोजीशन बना के चलेंगे, 9,275 तक अगर स्टॉक को लेके चलते हैं, आपको 23% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया सा गेन होता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्लपूल है। वर्लपूल के बारे में फ्रेंड्स मैंने काफी दिन से वीडियो बनाया हूं, तो आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है, वो वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में भी कोई भी स्टॉक है तो जरूर जाके यहां पे एनालिसिस जरूर देख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस जब देख लेंगे ना, आपको वहां पे कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। और एक स्टॉक मैंने बाय भी किया हूँ, कौन सा स्टॉक बाय किया ये वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, कौन सा वीडियो है कौन सा स्टॉक है आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, ये स्टॉक को मैंने बाय किया हूँ आज के मार्केट प्राइस पे, और इसको जो टारगेट लेके चला हूँ, मुझे पता है कि इसमें 100% का मुझे गेन मिलने वाला है। ठीक है, आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आपको पता है कौन सा स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख दीजिए कौन सा स्टॉक मैंने बाय किया हूँ, ये स्टॉक का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्लपूल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे वर्लपूल में अगर अभी भी आप बाय करके चलते हैं, यहाँ पे आपको 50% का गेन मिल सकता है। ठीक है, इसका जो टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए आप ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट लीडर है, ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, और एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, जो कि मिड कैप लार्ज कैप रेंज की कंपनी है, जो कि 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी भी एक 16-17 का आरओसी पे ट्रेड हो रहा था, 17 आरओसी है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं। डेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डेट कितना परसेंटेज है, 2% का डेट है, इतना ज्यादा डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एक मल्टीवेगर स्टॉक है, कुछ दिन के लिए अगर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन हो जाए ना, उस टाइम पे हमारा पेशेंस रहना जरूरी है। अगर पेशेंस आप नहीं रखेंगे, स्टॉक जब भागेगा ना, उस टाइम पे आप पीछे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है,
जैसे अभी जेपी पावर भाग रहा है वैसे ये भागता जाएगा, किसी दिन टाइम आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप स्टॉक को पोजीशन अभी ही बना लीजिए, मेरे हिसाब से अभी आपको बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये स्टॉक को आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने काफी पहले भी बाय करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि सेरा सैनिटरी है। अगर सेरा कंपनी के बारे में बात करेंगे, ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीवैगर है, आप सबको पता है, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीवैगर रिटर्न देता है ये स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अभी 100 डे का मूविंग एवरेज के पास में चल रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था, इस हिसाब से अगर आप इस स्टॉक में थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय कर लीजिए। ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक जाता है तो वहां पे आप सेल कर लीजिए, जो कि ऑल टाइम अभी का करंट सिनेरियो पे यहाँ पे 4900 के पास में चल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजीशन बना के चलते हैं, 6446 तक का आपको 30% का गेन मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसका फंडामेंटल की बात करेंगे, क्योंकि हमने इस स्टॉक के बारे में कभी एनालिसिस नहीं किया है, अगर इस स्टॉक का एनालिसिस किया जाए, यहाँ पे एक स्मॉल कैप रेंज की कंपनी है, जो कि 6300 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी 15 का है, प्रमोटर प्ले 0 है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है 54% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 12% ओनली डेट है, 0.12 डेट है। तो इसी हिसाब से बहुत बढ़िया सा कंपनी है, रेपुटेड ब्रांड है, और प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट भी तो बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स भी बहुत बढ़िया से इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। तो इस स्टॉक में आपका पोजीशन बना के चल सकते हैं, आपको एक 30% का गेन मिल सकता है 6 months to 1 year में, ठीक है। अगर 6 months का स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, मुझे लगता है आपको 30% का गेन मिल सकता है 6 months में। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि मैंने इस स्टॉक में पोजीशन भी बनाया हुआ है, आप सबको पता है, अगर आप सबने देखा होगा मेरा वीडियो हमेशा, आप अगर फॉलो करते होंगे, आप सबको पता है कि ये स्टॉक में मैंने भी पोजीशन बना के रखा हुआ है। मुझे पता है ये स्टॉक मुझे बढ़िया से ऑल टाइम हाई तक गेन मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत जल्दी भी मिलेगा, ठीक है। मैं इसीलिए स्टॉक में पेशेंस के साथ में बाय करके बैठा हुआ है, मुझे मालूम है जहाँ पे 53% का गेन बच मतलब अभी पेंडिंग है, हो सकता है 1 साल लग जाए, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल में अगर 53% का गेन मिलता है, वो भी एक बहुत बढ़िया सा गेन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टॉक में अगर आपने अभी तक भी पोजीशन नहीं बनाया है, मेरे हिसाब से आप अभी भी पोजीशन बना के चल सकते हैं, अभी भी आपको 53% का गेन देने की दम रखता है। कंपनी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर कंपनी है। अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, क्या जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ पे अगर 2006 की अगर इसका प्राइस देखेंगे, यहाँ पे 27 रुपीज के पास में ट्रेडिंग हो रहा था, अभी देखिए कहाँ पे 14,000 का लेवल तक जा चुका है। तो सोच रहे हैं ना कितना बड़ा मल्टीवैगर रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। तो इस हिसाब से ये स्टॉक में अगर अभी तक भी आपने पोजीशन नहीं बनाया, मेरे हिसाब से पोजीशन बना के चल सकते हैं, ये स्टॉक आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। अगर अभी भी हम देखते हैं इतना बड़ा करेक्शन के बावजूद भी 10 ईयर में यहाँ पे 63% का CAGR रिटर्न शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टॉक प्राइस ओनली भाग रहा है, इसका कंपाउंडिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया से भाग रहा है। तो उसी हिसाब से ही तो स्टॉक फॉलो करता है ना, स्टॉक प्राइस हमेशा उसी को ही फॉलो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इमीडिएटली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस करके रखेंगे, इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं जो स्टॉक लेता हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको वही स्टॉक के बारे में बताता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं बताता हूँ कि जहाँ पे आपको लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक लेता हूँ, वही स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ कि वह स्टॉक मैंने बाय किया। आप थोड़ा सा खुद का एनालिसिस कर लीजिए, फिर बाय कर लीजिए। जिस दिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, उस दिन मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। आप उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट लिए न्यूली एंटर किए हैं, आपको अगर लॉस हो रहा है, मुझे लगता है इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, चैनल के हर एक वीडियो आपको देखना चाहिए, ताकि मेरे साथ में आप भी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं 4-5 साल से स्टॉक मार्केट में हूं, मुझे पहला 1-2 साल जो कि मैंने लर्निंग पे फोकस करके लॉस से कन्वर्ट हुआ हूं प्रॉफिट में, तो आप भी मेरे साथ में ये जर्नी में शामिल हो सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे, तो आपको टाइमली स्टॉक का डिटेल्स भी मिल जाएगा, और टाइमली पोजीशन बना के आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टॉक मार्केट में कभी भी इंट्राडे मत कीजिए, और FNO फ्यूचर वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ऑप्शन फ्यूचर चक्कर में, तो फिर आप फंस सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, आप बहुत बढ़िया से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। साल में 30-40% का एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं, तो वो आपका अचीव हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, स्विंग ट्रेड में।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अगर लाइक करेंगे, अगर ज्यादा लाइक मिलेगा ये वीडियो में, मैं नेक्स्ट और एक वीडियो भी आपको पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको 100% का गेन मिल सकता है जो कि एक साल में, ठीक है, और बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है उस स्टॉक में, तो इसीलिए वीडियो को इमीडिएटली लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।